तकाजा करता हूँ, बाकी दुआ भी कर देंगे तो मैं नौकरी के लिए, नौकरी हो गई मेरी, पहलों पढ़ना शर्त ही नहीं होता, क्योंकि कायनात में अकेला दरवाजा है मेरे मुर्शिद हुसैन का। इस दरवाजे से आते हुए बंदे गुनाहगार होते हैं, निकलते हुए अलैहि सलाम हो जाते हैं। मैं साहिबाने विलायत से बात करने लगा, जिस बंदे के मजहब का नाम अली वलीउल्लाह है, जो जिंदगी के हर सांस में विलायत अली को वाजिब मानता है, विलायत अली को आजम मानता है, विलायत अली को अलजम मानता है, गदीर पे मोहम्मद मुस्तफा ने अली इब्न अबी तालिब का हाथ बुलंद करके सरकार की विलायत का ऐलान किया, सरकार मदीने तशरीफ ले आए, सरकार ने आके मदीने में मिंबर नबूवत सजाया, ये दो मुनाफिक मिंबर रसूल के सामने उठे, यार फरुड़ा इतनी जल्दी क्या थी, दो चार दिन इंतजार नहीं हो सकता था, आप यहाँ मदीने आ जाते, यहाँ मिंबर नबूवत सज जाता, आप अली इब्न अबी तालिब का हाथ पकड़ के सरकार की ऐलान विलायत कर देते। मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया, लौ लम उबल्लग विलायत अलियन लौ हबता अमली, मुझ मोहम्मद की मजबूरी थी, अगर मैं अली की विलायत का ऐलान न करता, मुझ मोहम्मद के अमल खत्म हो जाते, तो डूब के मर नहीं जाता, जैसा अली के बगैर मोहम्मद का अकीदा मुकम्मल नहीं, तेरी नमाज। जिसके मुसलमान का नाम अली है, उसका हाथ जरूर बुलंद होना चाहिए। जदे अंदर रंदे अली मिलके ऊंचा बोली हैदरी, आप सलामत रहे मौला की जिंदगी दराज फरमाए, तेरी मजबूरी है तेरा कुछ कुछ अली, मेरी मजबूरी मेरा सब कुछ अली, सांसों का पता नहीं, किसी दुनियादारी चक्रों में अली से दूर ना हो जाना, हादसे का जमाना हो गया, हादसे का जमाना, ये गैबत कुबरा की हकीकत है। मासूम फरमाते हैं, कुछ लोग ऐसे सफर करेंगे, वो सफर हमें पसंद होंगे, हम अपनों को उसी सफर से बुला लेंगे। जैसे समझ रही तो मैं हर बंदे का मजाक कर ही नहीं, सटे लियो वो किसी ने नहीं, जो आया है उसने मालिक की बारगाह में जाना है, जब आना है हर किसी ने तो जाना भी है सैयद हर किसी ने, सांसों का एतबार नहीं। नहजुल बलागा में अली इब्न अबी तालिब की हदीस है, सरकार फरमाते हैं, मेरा मोमिन मिट्टी पे नहीं चलता, बल्कि हमारे उबदार अपनी कब्र की छत पे कदम रख के चलते हैं। इतना ही फर्क है, आज तू किसी की कब्र पे चलता है, कल कोई तेरी कब्र पे चलेगा, और जो जानता है जानता है, जो नहीं जानता वो आज अपने बेटे अजीज की मजलिस में जाने। दीवारें तोड़ना अली के कब्जे का मजमून, वो दीवार चाहे खुदा के घर की हो या मोमिन की कब्र की। चले पैगाम है, मैं पहुंचा के सलाम करने लगाऊंगा। मौत अमरे हकीकत है, ना तो मैं मौत सुना के किसी का लहजा तलख करने आया हूँ, ना किसी को डराने आया हूँ, क्योंकि अली वाले मौत से घबराते ही नहीं। करबला से पहले मौत का फलसफा भाई और था, करबला के बाद मौत का फलसफा तब्दील हो गया है। करबला से पहले लोग मौत से डरते थे, करबला के बाद मौत हुसैनियों से डरती है। कल जाना है मालिक की बारगाह में, लम्हे की भी फुर्सत नहीं, आंखें बंद होनी है, अली अपने अभी तालिब के सामने जाओगे, बस एजाज इतना है, अली पूछेगा मेरी विलायत को मान के आया है या धोखे के जरिए आया है। मैं आले मोहम्मद के मिंबर पे खड़ा हूँ, डरता वरता मैं किसी के अब्बा से नहीं, सांसे अली अपने अबी तालिब के दरवाजे का खिराज, रोटी मेरा हुसैन तकसीम करता है, ना दुनियादार बंदे के पास मेरी रोटी ना मेरी सांसे। जिस बंदे के मजहब का नाम, पहला नाम भी अली है आखिरी नाम भी अली है, मौलवी साहब डराते हैं ना, कब्र की पहली रात आएगी, मुनकर और नकीर आएंगे, अगर मुनकर और नकीर का सामना करना है फिर अली मानने का फायदा क्या है।
बंदा नहीं बोलता मजलिस आले मोहम्मद में अकीदा बोलता है। मोमिन की कब्र में मुनकर और नकीर का कोई काम नहीं है। मोमिन की कब्र में मुबशर और नजीर आते हैं, वो आके बशारत सुनाते हैं। जिंदगी अली अपने अबी तालिब की विलायत पे गुजारी, किसी ने काफिर का, किसी ने मुशरिक का, किसी ने नसारी का। अब घबराना नहीं, तेरी कब्र का मालिक बन के मैं अली आ गया। अगर तू अली की दुश्मनी पे मरेगा, तेरी कब्र में मुनकर और नकीर आएंगे। बाबा जी हर बंदे की कब्र में पांच फरिश्ते पहली रात आते हैं। जो पांचवा फरिश्ता है उसका नाम रोमान है, लकब उसका फताद और कबूर है। और पहली रात आके हर कब्र को खोलेगा, पहले कब्र खोलेगा फिर तेरा कफन खोलेगा। अगर तू अली वाला हुआ, तेरी कब्र को इतना वसी करेगा अरबी नस्ल का घोड़ा तेरी कब्र के अंदर दौड़ सके। अगर तू अली का दुश्मन हुआ, उसके साथ चार फरिश्ते होंगे, वो फरिश्तों से कहेगा ओए कब्र की दीवारें मिला के इसकी पसलियां तोड़ दे, अली का दुश्मन आया। अली वाला ही बोलता था क्योंकि कह रहे जरा हाथ बुलंद करी मिसले ताई दे गदीर ऊंचा बोल है दरी हमेशा सलामत रह सके। आज नहीं तो कल मालिक की बारगाह में जाना है। दुनिया का हर जुर्म करके मरना, अली की विलायत के खिलाफ न बोलना। जिंदगी में बराए नाम कभी अड़ाई नहीं पड़ना। अगर मेरे भाइयों के साले सवाब की मजलिस न होती, अजुमला मसाहिब का ना भी पड़ता तो मजलिस मुकम्मल हो जाती। मगर दर्द ये है, विलायत अली पहुंचाते पहुंचाते इस दरवाजे की हर बदूल जख्मी है। मालिक आपकी हाय कबूल फरमाए। काश मातमी जाकिर की बजाय हुसैन को रोना शुरू कर दे। अल्लाह करे मेरे मजहब का हर मातमी तहज्जुद गुजार हो जाए, मैं दुआई कर सकता हूँ। दुआ के अलावा कोई वसीला नहीं मेरी जाकिरी का। मगर हुसैन राजी होता है रोने पे। कभी हुसैन की बारगाह का दरवाजा गुजरना, हुसैन के करम के साहिबान के नीचे आना। सौ साल की इबादत से यह ज्यादा तेरे नाम अमल में हो ना तो खुदा से जन्नत नहीं मांग सकता। फिर बहनों बेटियों को लेके जिक्र हुसैन में आया कर, बच्चों को समझाया कर। जो सौ साल की इबादत के बदले भी नहीं मिलती, वो हुसैन एक आंसू के बदले नीलाम कर रहा है। मैं सुनता हूँ अक्सर लोग कहते जाकिर साहब ने सख्त रिवायत पढ़ दी, मेरा जिक्र जख्मी हो गया। सैयद सज्जाद ने फरमाया हमने करबला देखी तुम सुन भी नहीं सकते। अल्लामान मरहबा जो हुसैन को रोना सवाब समझता है। मुबल्लिग आजम की जिंदगी की आखिरी तकरीर, एक घंटा सैयद खातम और नबीन की तकरीर करते करते मुबल्लिग आजम ने सर से अमामा उतारा, मिंबर पे रखा। फिर मैं चार दहाइयाँ हो गई मुझे सैयदों का जिक्र करते हुए। सैयद दुआ फरमाइएगा एक हाय के बदले निजात है, इससे ज़्यादा मैं कुछ चाहता ही नहीं। जहाँ जाता हूँ लोग सवाल करते हैं कहाँ लिखा है हुसैन को रोना। भैया ज़रा हाय बताएगी मजमे में सैयद कहाँ कहाँ बैठा है। जहाँ जाता हूँ लोग कहते हैं कहाँ लिखा है हुसैन का मातम। फिर मुबल्लिग आज़म ने जुमला इरशाद फरमाया कभी तो कोई पूछे कहाँ लिखा है ज़ैनब का लुटना। मरहबा जो शबीर का मातमी मजलिस आले मोहम्मद में करता है। वक्त होता मैं तफसील से पढ़ता मजलिस पाक। ओए विलायत अली पे एतराज करने वाला बता सकता है दरवाजे के नीचे तड़पती हुए बतूल के लहू की कितनी कीमत लगाई। जिसका लकब है विलायत शहीदा, जो विलायत की वजह से शहीद हुई है। ना किया कर एतराज विलायत आले मोहम्मद पे, विलायत अली बचाते बचाते इस दरवाजे की हर बतूल जख्मी हुई है। एक जुमला मुझे कहना है, उसी जुमला तक पहुंच तो मैंने आपका सलाम कर देना है।
कभी ऐसा हुआ है कायनात में? हो सकता है आयत पढ़ने के बाद, हदीस पढ़ने के बाद, रिवायत पढ़ने के बाद मेरे मजहब को कम मत को जो तू अली के दरवाजे का नौकर है। जाकरी छोड़, दुनिया छोड़, खिताबत छोड़, हमें सच बता दीन में अली कितना जरूरी है। तेरा सीना बताएगा शबीर का मातमी तू हो सकता है या नहीं। इतना जरूरी है दीन में अली जिस पे ज़ैनब की चादर खर्च हो सके। मैंने तो मातमी के लिए जो मुलाकात था जो 36 बाजारों में कहती गई लोगों में मोहम्मद की बेची मरहबा था मेरे भाइयों के दर्जात बुलंद था। जिंदगी में भूल के भी अपने आप को गरीब न कहना, चाहे तेरे घर में फाके हो। मेरे मालिक की हदीस है अपने आप को गरीब न कहना। जिस इंसान के सीने और कलेजे में विलायत अली की ताकत मौजूद है वो गरीब हो ही नहीं सकता, क्योंकि करबला के बाद तेरा मौला सज्जाद लोगों में बैठना पसंद नहीं करता था। करबला के बाद मौला सज्जाद ने मदीने अपने घर की छत पे अलग कमरा बनवाया हुआ था। करबला का कोई ना कोई खूनी मंजर याद करके सज्जाद खून रोता था। अगर तेरा रोने पे दिल में करबला का खूनी मंजर दोहराऊं, सैयदाता कभी अकबर की जवानी याद करके खून रोता था, कभी कासिम के तड़पते हुए टुकड़े याद करके रोता था, कभी अब्बास के मजबूर बाजू याद करके रोता था। अचानक मदीने की गली से एक गरीब गुजरा, उसने सदा लोगों में गरीब हूँ, तेरे सोचने से पहले मैं मिंबर छोड़ के चला जाऊंगा। अगर मेरी रिवायत तेरे जिगर में जगह कर गई तो कब्र तक मातम न करे मैंने अली के दरवाजे पे खैरात क्यों मांगी है। इसकी गुर्बत की आवाज हर बंदे ने सुनी, मगर जैसे मौला सज्जाद के कानों पे आई, मौला सज्जाद ने अपना कमरा छोड़ा, जल्दी से मौला सज्जाद मदीने की गली में आए। इस बंदे खुदा के कंधे पे हाथ रख के सवाल किया, अरे हमारी गली में गुर्बत का ऐलान दूर किया है, जिस बंदे के सीने पे मातम हुसैन का निशान है, ये हाथ बांध कहते मौला मैं वाकई बड़ा गरीब हूँ, मेरे बच्चे आज भी भूखे हैं। सज्जाद फरमाता है तू गरीब नहीं है, और गरीब तो मैं सज्जाद हूँ जिसका 71 बेकफन जनाजा तड़प।